आगरा से उत्तर विधानसभा के भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान आगरा की तमाम समस्याओं को रखा। भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल विधानसभा में जमकर दहाड़े थे। आगरा उत्तर विधानसभा से भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल पिछले दिनों विधानसभा के विशेष सत्र में जमकर दहाड़े थे। भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने जहां केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं आगरा की समस्याओं को भी रखा। गंगा जल की उपलब्धि भी सदन के अंदर रखी। भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल का कहना था कि विधायक योगेंद्र उपाध्याय के प्रयासों से, प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से आगरा में गंगा जल पहुँचा। गंगा जल के मामले में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने काफी रोड़े अटकाने की कोशिश की, लेकिन इसके लिए योगी जी, इसके लिए हमारे खन्ना जी बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने प्रयास करके वहां पर आगरा की जनता को गंगा जल में पहुंचाने में जो रोड़ा अटकाने वाला था वो मामला समाप्त किया। आज आगरा की आधी जनता को गंगा जल उपलब्ध है और आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि टंडन जी के प्रयासों से दीपावली तक गंगा जल उपलब्ध हो जाएगा, ये बड़ी बात। भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने ऐतिहासिक नगरी का जिक्र किया। भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल का कहना था कि आगरा की धरती भगवान नेमिनाथ की जन्मस्थली है, भगवान शिव की नगरी है। दयालबाग का भी जिक्र किया, तमाम ऐतिहासिक इमारतों का जिक्र किया। माननीय आगरा एक ऐतिहासिक नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की पैतृक भूमि है, जन्मभूमि तो हमारे चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के यहाँ पर है, लेकिन पैतृक भूमि आगरा ही है। जैन तीर्थंकर बड़ी महान भूमि आगरा की, जैन तीर्थंकर नेमी शरण जी भगवान की भी जन्मस्थली आगरा में ही है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जन्मस्थली आगरा में है। स्वामी राधा स्वामी मत के संस्थापक आगरा के राधा स्वामी मत का स्थापना भी आगरा में हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मत है। और हजूर महाराज उनके संस्थापक स्वामी जी महाराज की जन्मस्थली और ऐतिहासिक स्थल दयालबाग भी आगरा में है। चारों महादेव चारों भैरों आगरा को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मनकामेश्वर, नए खाटू मंदिर, जगन्नाथ जी का मंदिर, सारासर का मंदिर आगरा के बहुत बड़े केंद्र हैं। रक्तदान और नेत्रदान में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आगरा सर्वाधिक आगे है। आगरा में बेरोजगारी की समस्या को भी विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने रखा। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल का कहना था कि ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए तमाम सारे उद्योगों को पूर्व में बंद किया गया था, इस कारण आगरा में बड़ी संख्या में बेरोजगारी पैदा हुई। आगरा में 1995-96 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सारे उद्योगों को उजाड़ दिया था, बेरोजगारी चरम पर थी। उस समय हमारी उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया था कि आगरा में पॉल्यूशन लेस इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन पिछली सरकारों ने एक भी इंडस्ट्रीज आगरा में नहीं लगाने दी। आगरा के लोग अपने बलबूते पे व्यापार करते हैं, बुरुज का उद्योग है, बहुत बड़ा काम आगरा के लोग करते हैं, बुरुज का काम, आगरा के लोग पेठे का काम करते हैं जो आप लोगों को मिलता होगा कभी कभी खाने के लिए, मुझे अवसर नहीं मिला कि मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। आगरा कभी कभी लेके आऊंगा। आगरा में गोल्ड का, सिल्वर का बहुत बड़ा काम है, कालीन का भी काम है, आगरा बहुत बड़ा काम था, लेकिन 1995-96 में जो फाउंड्री उद्योग को जुड़ा है उसके विकल्प के रूप में आगरा के लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने जलभराव की समस्या को रखा। भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल का कहना था पीडब्ल्यूडी, एडीए, नगर निगम, आवास विकास सहित सभी संस्थाओं को एक साथ मिलकर एक बड़ा प्रारूप तैयार करना चाहिए, जिससे बरसात से पहले जलभराव की समस्या से निपटा जा सके और सड़कों का धन भी बचा जा सके, क्योंकि जलभराव के चलते सड़कें टूट जाती हैं और फिर से सड़कों का निर्माण किया जाता है। जलभराव की आगरा में सबसे बड़ी समस्या, सड़कें बनती हैं हर साल टूटती हैं, पिछली सरकार इस पर ध्यान नहीं देती थी क्योंकि अधिकारियों की तो केवल कमाई की स्थिति रहती है, हर साल दावर की सड़क टूटती है, हर साल बनती है। मेरा निवेदन है माननीय अधिष्ठाता जी कि आगरा में जल भराव की जो समस्या है उसके लिए विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जल निगम, पीडब्ल्यूडी, आवास विकास जैसे जो सरकारी संस्थान है इनके विशेषज्ञों की टीम बना दी जाए और जल भराव के कारण खोजकर उसके निराकरण और फिर उस पर आने वाला व्यय सरकार निश्चित करे। ये बार बार तुगलक ही फरमान जारी करके कि भाई दिवाली बाद सड़क बनाना शुरू, अगले साल फिर सड़क टूटेगी, इसलिए मेरा कहना है कि सरकार इस बात पर ध्यान दे।
विधानसभा के सदन में बोलते हुए उत्तर विधानसभा से भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने नई कॉलोनियों को भी रखा। भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल का कहना था कि वर्षों पूर्व तमाम सारी नई कॉलोनियां बना दी गई, लेकिन उनमें कोई सुविधा नहीं दी गई है। नागरिकों का क्या दोष है? नई कॉलोनियों में भी सारी सुविधाएं पहुँचनी चाहिए। ये सही बात है कि अधिकारियों ने पैसे लेकर उन कॉलोनियों को बनवाया है, उन कॉलोनियों को भी नियमितीकरण करने के लिए कोई ना कोई हमारी सरकार उपाय उठाए, क्योंकि उनका मेहनत का पैसा है, उनको उजाड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से आवासीय क्षेत्र में पिछले 40-40 साल 45-45 साल की जो कॉलोनियां हैं उनमें आवासीय स्थल बने हुए हैं, उन आवासीय स्थल में पैसे लेकर आवास विकास के अधिकारियों ने, विकास प्राधिकरण, मैं स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूँ, विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने पैसे लेकर उन आवासीय स्थल को व्यवसायिक स्थल बनवा दिया। आज उनको तोड़ने के लिए बार बार पैसे लेने के लिए जाते हैं। मेरा निवेदन है कि आज तक जितने बन चुके हैं उनको नियमित किया जाए, क्योंकि वो उसकी कीमत से ज्यादा पैसा रिश्वत के रूप में दे चुके हैं। मैं विधानसभा में बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल को विश्वास है कि योगी सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी और समस्याओं को दूर भी करेगी। मेरा स्पष्ट मानना है कि उन कॉलोनियों को नियमित किया जाए। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी पिछले सप्ताह घोषणा की कि उनके नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि गरीबों के प्रति जो सद्भावना दिखाई है योगी जी ने, उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। विधानसभा के विशेष सत्र में भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जमकर धाड़े। जिस समय भाजपा विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल सदन में बोल रहे थे, सभी ने मेज थपथपाकर उनकी बातों का समर्थन भी किया। राकेश कनौजिया, सी न्यूज, आगरा।